एक बुंदेलखंड में गाड़ी चलत कंडा को कड़ो, कंडा को कड़ो ठटरी को बंदो। और जे दो ही आदमी काम के नन्या, ना कंडा को कड़ो और ना ठटरी को बंदो। कहा के कंडा को कड़ो कौन दिखाते है, कहा दिखा था, और ठटरी को बंदो सुमरदा है। हमने एक नई गाड़ी बनाई और जा गाड़ी को दे सकत, जा भी गाली केवल एक ही आदमी को दई जा सकत। गौर करियो आप बोरे, जब हनुमान जी लंका में गए, रावण तो अपनी ठान में है, तो मैं बोलन केस हूं, जब चलता हूं तो धरती कप जाती है, मैं बोलन केस हूं, जब मैं गरजता हूं तो ओए ओए हो जाती है। हाँ, हनुमान जी बोले, हमने तो उरावण के बारे में सुनी, जोन बाली की कांखरी में 6 महीना चपू रहो तो बेरावण आओ तुम। सो जैसे ही लंका में चर्चा फैल गई, काहो अपने सरकार 6 महीना कांखरी में चपे रहे, ये पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि ओ राम अपनो राजा कांखरी में चपो रहो। मंत्री कल जब तो एक दिन हमें सरकार बेहोश डरे मिले थे एक जगह, हमने कहीं क्या होगा, सो कह रहे थे तपस्या पे डटे थे, उन्हें जानो ही बताई कि कांखरी में से गिरे बेहोश। और का अब का भाव, जब इतनी चर्चा गांव में फैल गई, धीरे धीरे जनियन को पतो पर के कांखरी में चपेरे सरकार। और जब जनियन में जब चर्चा फैली, जैसे आज अगर कोनो गांव में कोनो सरपंच इतनो पद्रो कर देवे के गांव के पूरे लोग मर जा, केवल लुगाई बचवे, तो भी लुगाई तो गारी दे के इन्हें कर दो जो कछु। सो पूरी राक्षसी, हाँ, जिनके चलेगा ऊपरे बेसबरी गारी दे रही रावण को। ओ का कह रही, गौर करिए का कह रही, अलग अलग घर में अलग अलग चर्चा। बोली भेरा दो काखरी के कड़े ने, अरे भेरा दो काखरी के कड़े ने, हो भेरा दो काखरी के कड़े ने, भेरा दो काखरी के कड़े ने, कंडा के कड़े ने नहीं, कीने काखरी के कड़े ने। पूरी लुगाई करी का बताए जी, हीरा सो चल रहा तो हमारे गांव तो बढ़िया खूब सुख संपत्ति है जी। बोले भेरा दो काखरी के कड़े ने, ये भेरा दो काखरी के कड़े ने, भेरा दो काखरी के कड़े ने। अब की को का नुकसान होगा, एक राक्षसी बोली, बोली भूसा मिलोनी पर गई कुठिया, भूसा मिला के कुठिया बनाई जा। बोले जी जी हमें बढ़ गया भूसा मिलोनी कुठिया हती, बिल्कुल राख हो गई। अरे भूसा मिलोनी बर गई कुठिया, मोरी पर गई नई नई धुतिया, मोरी पर गई नई नई धुतिया, मोरी पर गई नई नई धुतिया। का करवा दो काखरी के कड़े ने, भेरा दो काखरी के कड़े ने, भेरा दो काखरी के कड़े ने, भेरा दो काखरी के कड़े ने। जैसे इतनी चर्चा सुनी तो एक राक्षसी बोली, तुम्हें धुतिया ये दिखा रही, ऐसे बड़ी लंका। बोले ऐसे बड़ी जैसे बरत होले का, ऐसे बड़ी जैसे बरत होले का, मोरो पर गओ नौ पोले का। बोले अमा सुख में टंगो तो बंद रहो, तई कुन गाँव में पोल का और बढ़ेगा।
बोलिए से बड़ी जैसे बरत होले का मोरो परे गौ नौ कोले का मोरो परे गौ नौ कोले का मोरो परे गौ नौ कोले का तो परवा दो ए परवा दो उकाखरी के खड़े ने परवा दो उकाखरी के खड़े ने एक राक्षसी बोली तमें धुतिया बोल का या दिखा रहा हमारी तो सुनो कागत भाई बोले काजी जी का होगा बोले का बताइए अरे लाए ते पगिया की रखवाली लाए ते पगिया की रखवाली बलम हमाए जम्बू माली बलम हमाए जम्बू माली सो हुन मरवा दो काकरी के कड़े ने बोली रखवारी कर लेते बोले वही पंद्रह या तो ऊखो बिल्कुल तई समाप्त कर दो बोले ऐसो करे लय ते बगिया की रखबारी लय ते बगिया की रखबारी अरे मरवा दो काखरी के कड़े ने मरवा दो काखरी के कड़े ने मरवा दो काखरी के कड़े ने सौ रुपये का पुरस्कार हमारे ललितपुर से पधारे सम्मानीय भगत राजा जी की ओर से सौ रुपये का पुरस्कार है बहुत बहुत धन्यवाद। एक राक्षसी बोली बोले बताओ जब ही समझ में नहीं आई पनवेश रेखो बोले कावे पूछ की इतनी हती गिंडिया पूछ की इतनी हती गिंडिया देखत देखत भाई पिंडिया देखत देखत भाई पिंडिया देखत देखत भाई पिंडिया बोले एक और बंदरा आओ तो बोले अंगद नाम को बोले रावण से ऊंचो सिंहासन पूछे पूछ को बन गाओ तो बोले रावण से ऊंचो बैठे तो सुन लजवा दो काखरी के कड़े ने ये लजवा दो काखरी के कड़े ने लजवा दो काखरी के कड़े ने भेरा दो काखरी के कड़े ने भेरा दो काखरी के और हमारे साथ पधारे हुए मोनू ठाकुर उनकी भी हाजिरी लग जाए यहाँ पर। हेलो और सौ रुपये का पुरस्कार सम्मानीय गोयल किराना स्टोर बस